आजकल काफी सारे लोगों को स्मार्ट होम अप्लायंसेस काफी पसंद आ रहे हैं और होम अप्लायंसेस स्मार्ट लेने के लिए 5-10 हजार रुपए ज्यादा देने के लिए भी तैयार है नॉर्मल होम अप्लायंसेस से। अब ये स्मार्ट का क्या मतलब है? स्मार्ट का मतलब ये है कि आपके मोबाइल से चलने वाले होम अप्लायंसेस, मतलब कि आप अपने मोबाइल से उस अप्लायंसेस को कंट्रोल कर सकते हो, ऐसे अप्लायंसेस, और उन अप्लायंसेस को लेने के लिए 5-10 हजार रुपए ज्यादा देने के लिए भी तैयार है। लेकिन मैं आपको ऐसी चीज बताता हूँ जिसकी मदद से आप अपने किसी भी होम अप्लायंसेस को स्मार्ट बना सकते हैं, और वो है ये विप्रो का स्मार्ट प्लग। इसकी मदद से आप एसी, गीजर, वॉशिंग मशीन सबको स्मार्टली कंट्रोल कर सकते हो, और ये बिल्कुल सस्ता है, कोई ज्यादा महंगा नहीं है। वैसे स्मार्ट अप्लायंसेस लेने जाएंगे तो उसमें 5-10 हजार रुपए आपको ज्यादा देने पड़ेंगे, लेकिन ये उससे काफी सस्ता है। तो प्राइस तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि काम कैसे करता है और आप इसे किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो अपने एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह में, और किस तरह से आप अपने मोबाइल के जरिए इसे कंट्रोल कर सकते हो और क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसे कंट्रोल करने के लिए, चलाने के लिए। और हाँ, यदि ये वीडियो देखने के बाद में आपको पसंद आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, वहां पे क्लिक करके आप इसे अमेज़न से खरीद सकते हो या आपके आसपास के मार्केट में जाके ट्राई कर सकते हो। बाकी मार्केट में नहीं मिलता तो अमेज़न है ही, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, वहां पे क्लिक करके ले सकते हो। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं। जब आप इसे अमेजोन से खरीदेंगे तो कुछ इस तरह से ये डब्बे में पैकिंग होके आएगा, और आप इसे सिर्फ यहाँ से एक टेप निकालनी है, मैंने ऑलरेडी निकाल रखी है। इसे जब इस तरह से खोलेंगे तो आपको ये मिलेगा स्मार्ट विप्रो का प्लग, जिसमें आपको एक ऊपर ऑन ऑफ का स्विच भी मिल जाता है। इसे मैनुअली यूज करने के लिए ऑन ऑफ का स्विच दे रखा है, बाकी हम इसे मोबाइल से अभी एक्सेस करेंगे। और ये 16 एम्पीयर का सॉकेट है, इसमें आप कोई भी चीज को चला सकते हो, जितने भी हमारे हैवी अप्लायंसेस है जैसे कि गीजर, एसी, माइक्रोवेव वगैरह, वो सारे आराम से आप इस पे चला सकते हो। और इसके अंदर आपको मिल जाती है एक मैनुअल बुक जिसमें लिखा है कि आप इसे किस तरह से यूज कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल है। तो वैसे तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप इसे किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो अपने मोबाइल के जरिए। इसमें आपको जो रिक्वायरमेंट है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का वाईफाई कनेक्शन चाहिए, आपके मोबाइल का भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपके घर में हो तो सबसे ज्यादा अच्छा। और इसके डब्बे के ऊपर अगर आप एमआरपी देखेंगे तो 2290 रुपए का है एमआरपी, और न्यू मॉडल है ये, मई 2024 का मैन्युफैक्चरिंग। और इसे आप एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के जरिए भी कंट्रोल कर सकते हो। आजकल गूगल एलेक्सा वगैरह काफी लोगों के घरों में होती है, और गूगल असिस्टेंट भी होता है जो बिल्कुल एलेक्सा के जैसे आता है, छोटा सा डिवाइस। चलिए इसे रखते हैं साइड में, और चलिए इसे इस्तेमाल करके मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि मोबाइल से किस तरह से इसे कनेक्ट करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान देना है कि ये 16 एम्पीयर का सॉकेट है, इसमें आपको 6 एम्पीयर का सॉकेट भी मिल जाएगा। तो देखिए, इसे प्लग करने के लिए आपको 16 एम्पीयर का सॉकेट चाहिए, ये है हमारा 6 एम्पीयर और ये है 16 एम्पीयर। तो इसकी पिन बड़ी है तो ये 16 एम्पीयर के सॉकेट में बड़े आराम से फिट बैठ जाएगा। तो इसे एक्सेस करने के लिए आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, विप्रो नेक्स्ट स्मार्ट होम, ये वाली है। और इसे डाउनलोड करने के बाद में आपको लॉगिन वगैरह कर लेना है, साइन अप कर लेना है, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो अकाउंट क्रिएट कर लेना है आपके ईमेल आईडी से, और बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इसे एक्सेस कर सकते हो। ये देखिए, पहले मेरे पास में विप्रो का स्मार्ट बल्ब था, वो यहाँ पे मैं एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन अभी वो बंद है, ऑफलाइन है। तो यहाँ पे इसे कंट्रोल करने के लिए आपको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसे कंट्रोल करने के लिए आपके घर में वाईफाई होना चाहिए या आपके मोबाइल के वाईफाई के जरिए भी चल सकता है। यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, अगर आपके घर में वाईफाई होगा तो सबसे बढ़िया होगा, आप इसे कहीं पे भी बैठ के कंट्रोल कर सकते हो मोबाइल के जरिए। आजकल कई लोगों के घरों में वाईफाई कनेक्शन होता है अपनी स्मार्ट टीवी चलाने के लिए, क्योंकि आजकल वाईफाई कनेक्शन 400 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम ब्रॉडबैंड बोलते हैं। तो अब हमारे यहाँ पे वाईफाई कनेक्शन है तो हमारा मोबाइल भी देखिए वाईफाई के जरिए चल रहा है। तो अब मैं यहाँ पे इस डिवाइस को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले तो मैं इसे चालू करता हूँ, और यहाँ पे देखिए एक नीली कलर की लाइट अंदर ब्लिंक करती हुई आपको शायद ही नजर आ रही होगी, ये देखिए रेड कलर हो गई। ये यहाँ पे एक बटन दे रखा है, इस बटन के जरिए ये ऑन भी होता है मैन्युअली, आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। लेकिन इसे हमें वाईफाई के जरिए कनेक्ट करना है तो पहले मैं इसे 5 सेकंड तक इसे प्रेस करके रखूंगा और उसके बाद इसे छोड़ दूंगा। तो देखिए यहां पे एक छोटी सी एलईडी जो है वो ब्लिंक कर रही होगी, ये देखिए ये ब्लिंक कर रही है छोटी सी एलईडी, इसका मतलब ये है कि अभी ये कंट्रोल करने के लिए रेडी हो चुका है, पेयरिंग करने के लिए रेडी हो चुका है। तो यहां पे ये प्लस का निशान दिख रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, और यहां पे देखिए ऐड डिवाइस है, उसके ऊपर क्लिक करना है, और यहां पे देखिए लोकेशन मांग रहा है तो इसको कंटिन्यू कर लेते हैं और इसे ओनली दिस टाइम अलाउ कर देते हैं। यहां पे देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट आपको अवेलेबल होंगे यहाँ पे दिखेंगे, लेकिन हमारा जो है स्मार्ट प्लग है, देखिए स्मार्ट सॉकेट वाईफाई वाला, तो इसे हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद में देखिए ये आपके वाईफाई का नाम ले रहा है और यहाँ पे पासवर्ड ऑलरेडी इसने ले लिया, जो भी आपके वाईफाई का नाम है आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है और यहाँ पे पासवर्ड ऐड कर लेना है, उसके बाद में आपको नेक्स्ट कर लेना है, और उसके बाद में आपको यहाँ पे प्लग लगा करके इस तरह से इसे चालू कर लेना है जैसे कि मैंने शुरू में ही कर दिया। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर लेना है, और उसके बाद में दोबारा से नेक्स्ट करना है, और यहाँ पे कंफर्म करने के लिए ये टिक कर लेना है, उसके बाद में नेक्स्ट करना है। अब ये डिवाइस को स्कैन करेगा और इसके साथ में ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा।
ये देखिए, ये यहाँ पे 16 एम्पीयर का स्मार्ट प्लग यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है और इसे मैं यहाँ से डन कर देता हूँ। ये अब हमारा ऑन ऑफ का स्विच यहाँ पे आ गया। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखिए रेड लाइट यहाँ पे चालू हो गई और वापस क्लिक करूंगा तो ये बंद हो गई। अब मैं इसको कहीं से भी एक्सेस कर सका हूँ, बाहर जाकर भी एक्सेस कर सका हूँ, अपने मोबाइल के जरिए मोबाइल के इंटरनेट से भी एक्सेस कर सकता। यहाँ पे मैं ये वाली लैंप को लगा देता हूँ इसके अंदर और इसका बटन ऑन कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि ये अभी चालू है और मैं अपने इस मोबाइल से इसे बंद कर सकता हूँ। ये बंद हो गया, ये चालू हो गया, ये बंद हो गया और ये चालू हो गया। इसके अंदर भी आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं और साथ ही आप ये भी चेक कर सकते हो कि ये कितने वॉट पे चल रहा है। अभी देखिए यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा इसका वोल्टेज, ये देखिए ये इसके वोल्टेज है। जो हमारी बिजली जो है वो अभी 220-221 के आसपास ले रहा है और ये पावर ले रहा है अभी 3.4 का। ये जो लैंप है इसकी पावर है, ये इसका करंट है 33 मिली एम्पियर, मतलब की 1 एम्पियर से नीचे जो होता है वो मिली एम्पियर में जाता है। तो ये अभी ले रहा है 32 मिली एम्पियर, इतना एम्पियर में ये चल रही है और इसका वॉट जो है अभी ये जो पावर ले रहा है वो 3.5 वॉट ले रहा है। कहने का मतलब है कि आप किसी भी डिवाइस को चलाते हैं तो उसका आप कैलकुलेशन भी बड़े आराम से कर सकते हैं कि आपने पूरे दिन भर में उसे चलाया है तो कितने वोल्टेज उसमें निकले हैं, कितनी रीडिंग आई है। जैसे कि हम मीटर के अंदर चेक करते हैं कि अगर एक दिन में किसी चीज को चलाते हैं तो कितनी रीडिंग आती है, क्योंकि रीडिंग के हिसाब से ही आपके बिजली का बिल आता है। नॉर्मली एक रीडिंग के 8 रुपए 10 रुपए 9 रुपए होते हैं, तो उसी हिसाब से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं अगर आपने एसी या कोई फ्रिज वगैरह चलाया है तो कितने यूनिट आए हैं, उस यूनिट के हिसाब से अपने पैसे काउंट कर सकते हो, अपने बिजली को काउंट कर सकते हो। ये चीज बहुत अच्छी है। नॉर्मली मैं इसे यहाँ से बंद कर देता हूँ तो आप देखिएगा इसके ये जो वॉट पावर वगैरह ये सब गायब हो जाएंगे। ये देखिए मैंने बंद किया, आप देखना जैसे गायब हो जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लेता है जाने में लेकिन चले जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे करंट भी गायब हो गया, इसका पावर गायब हो गया, लेकिन अभी जो वोल्टेज ले रहा है ये 221-220 वोल्टेज ले रहा है और यहाँ पे आपको ये रीडिंग दिख जाती है। टोटल जो रीडिंग है वो यहाँ पे दिख जाती है। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती है। एक तो आपको ये टाइमर वाला चीज बहुत अच्छा मिल जाता है, इसमें आप अपने शेड्यूल के हिसाब से एसी या फ्रिज या किसी भी डिवाइस को लगाते हो तो उस शेड्यूल के हिसाब से बंद चालू कर सकते हो। यहाँ पे सारी चीजें है और यहाँ पे आपको काउंटडाउन भी मिल जाता है। जैसे कि अभी हमने ये बंद कर रखा है तो आप चाहते हो कि ये 1 मिनट में चालू हो जाए या 1 मिनट के बाद में बंद हो जाए, तो वो भी सारी चीजें हम कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसे यहाँ पे प्ले करता हूँ और देखते हैं कि ये 1 मिनट में चालू होता है या नहीं होता है, क्योंकि अभी हमने इसे बंद किया हुआ है। तो 1 मिनट का इंतजार करते हैं, जैसे ही ये यहाँ पे 2-3 सेकंड रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये चालू होता है या नहीं होता। तो अब देखिए यहाँ पे 4-5 सेकंड रह गए हैं, अभी ये चालू हो जाना चाहिए। ये देखिए चालू हो गया, जैसे ही इसका काउंटडाउन खत्म हो गया ये ऑटोमेटिकली चालू हो गया। सेम ऐसे ही हम इसे रीसेट करके यहाँ पे टाइम सेट करके इसे इतने घंटे में या इतने मिनट में इसे बंद करना है तो हम इसे बंद कर सकते। अगर आप इसे गीजर पे या किसी माइक्रोवेव के ऊपर या एसी के ऊपर चलाते हैं तो आप इसे इजीली उस टाइम के हिसाब से या काउंटडाउन करने के हिसाब से आप उसे चला सकते हो, या यहाँ पे आपने शेड्यूल वगैरह यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे शेड्यूल वगैरह दे रखा है, यहाँ पे आप अपना शेड्यूल ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से, कितने दिन चलना है, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार सारे यहाँ पे दे रखे हैं, और जो जो आपको यहां सेट करनी है वो अपने हिसाब से टाइम पीरियड के हिसाब से आप सेट कर सकते। कुल मिला के पूरा मोबाइल से आप इसे एक्सेस कर सकते हो। अब इसके ऊपर आप चाहे एसी लगाइए, चाहे फ्रिज लगाइए, चाहे माइक्रोवेव लगाइए, चाहे गीजर लगाइए, अब आपको स्मार्ट होम अप्लायंसेस के पीछे 5-10 हजार रुपए एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है। आपके घर में जो लगे हुए हैं उन्हीं को ही आप इसके जरिए स्मार्ट बना सकते। तो देखा दोस्तों कितना यूजफुल और स्मार्ट प्लग है ये, आपके किसी भी अप्लायंसेस को स्मार्टली कंट्रोल कर सकते हो, वो भी आपके इस मोबाइल से। देख रहे हो एक ही क्लिक में आप उसे बंद चालू कर सकते हो, एक ही क्लिक में आप उसमें शेड्यूल लगा सकते हो, एक ही क्लिक में उसमें काउंटडाउन लगा सकते हो कि भैया इतनी देर के लिए वो अप्लायंसेस चलना चाहिए। अब देखिए काउंटडाउन जो है वो मुझे एक बहुत बढ़िया चीज लगी है कि अगर आपको गीजर चालू करना है और आप चाहते हो कि सिर्फ 10 मिनट के लिए गीजर चालू हो जाए और उसके बाद में बंद हो जाए तो इसमें काउंटडाउन सेट कर लीजिए, 10 मिनट तक गीजर चालू हो जाएगा और 10 मिनट के बाद में गीजर जो है बंद हो जाएगा। तो ये एक बिल्कुल सिंपल तरीका आपके मोबाइल से कंट्रोल करने का। बाकी इसमें शेड्यूल वेड्यूल वगैरह सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि काफी सारे लोग अपने पुराने अप्लायंसेस को निकाल करके नए स्मार्ट अप्लायंसेस लेते हैं और वो भी इसमें 5-10 हजार रुपए ज्यादा लेते हैं। काफी सारे लोग एसी और गीजर जैसी चीजें स्मार्ट ले रहे हैं और कईयों से मैंने पूछा तो भैया स्मार्ट लेके क्या करेंगे, तो कहने का मतलब यही कि अगर भैया घर कमरा वगैरह गर्म होगा तो जाने से पहले एसी ऑन कर देंगे ताकि जाते ही हमारा जो है एसी ठंडा मिले, और सर्दी के दिनों में गीजर बड़ा स्मार्ट हो जाता है तो भैया 5 बजे उठने से पहले उसको गीजर को चालू कर दूं और 10 मिनट में पानी गर्म हो जाए और उठते मैं नहा लूं। तो इस तरह से काफी सारे लोग स्मार्ट अप्लायंसेस ले रहे हैं सिर्फ इसी काम के लिए ताकि उनका टाइम बचे, और अपने टाइम बचाने के चक्कर में 5-10 हजार रुपए ज्यादा देते हैं नए स्मार्ट अप्लायंसेस खरीदने, और पुराने अप्लायंसेस अच्छे होने के बावजूद भी उसे निकाल देते हैं या किसी को सेकंड हैंड में बेच देते हैं। तो अब मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप अपने पुराने अप्लायंसेस को भी स्मार्टली कंट्रोल कर सकते हो इस प्लग के जरिए, और वो भी आप अपने मोबाइल से, बिल्कुल सिंपल तरीका, और वो भी किसी भी अप्लायंसेस। तो इस स्मार्ट प्लग को लेकर के आपके मन में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और आप में से किस किस को सबसे ज्यादा पसंद आया वो भी जरूर बताइए। और यदि वीडियो आपको काफी पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि औरों को
भी पता चले। और यदि चैनल पर नया हो तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके घंटी का बटन दबाइए। जब भी नया वीडियो डालेंगे हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमेशा अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय।